शोले हो या शक्ति, सीता और गीता हो या फिर अंदाज, इस फिल्म मेकर ने सभी को बता दिया था यह है सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक। नाम रमेश सिप्पी, जन्म 23 जनवरी सन 1947 में हुआ। रमेश सिप्पी के पिता जीपी सिप्पी खुद एक बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर रहे। रमेश सिप्पी एक सिंधी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता ने जब पहली फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम रखा सजा, तब रमेश सिप्पी की उम्र मात्र 6 बरस की थी और 9 बरस की उम्र में ये असला सचदेव के बेटे बने नजर आए थे सन 1953 की फिल्म शहनशाह में। फिल्म जग्गू में भी इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, पर एक्टिंग ने इन्हें ज्यादा आकर्षित नहीं किया। हालांकि अपने स्कूल के नाटकों में ये हिस्सा लिया करते थे, पर एक बार रमेश सिप्पी से खता हो गई। स्कूल टीचर ने ड्रामा के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया और एक बच्चे को रिजेक्ट कर दिया। नन्हे से रमेश सिप्पी को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपना किरदार उस रिजेक्टेड लड़के को दे दिया और खुद साइड में खड़े हो गए। इन्हें लग रहा था कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पर टीचर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रमेश सिप्पी से कहा कि आगे से ये खता मत करना, पर चूंकि तुमने ऐसा किया है इसलिए अब वो किरदार वो रिजेक्टेड बच्चा ही प्ले करेगा और तुम नहीं। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक लिया था रमेश सिप्पी ने। कॉलेज के दिनों में भी ये कॉलेज कम और अपने पिता के फिल्म सेट्स पर ज्यादा रहते थे। फिल्म जोहर महमूद इन गोवा और मेरे सनम के सेट्स पर तो रमेश सिप्पी ने काफी वक्त बिताया। तकरीबन 7 बरस तक ये बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते रहे और उसके बाद इनके पिताजी ने कहा कि क्या बात है, सिर्फ असिस्टेंट बन के ही रहना है, खुद कोई फिल्म नहीं बनाएगा क्या? और तब सन 1971 में इन्होंने फिल्म बनाई जिसमें शम्मी कपूर और हेमा मालिनी को लिया। पर तब भी रमेश सिप्पी एक गलती कर बैठे। स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा, ये सब बोलने की बजाय रमेश सिप्पी ने सीधे ही एक्शन बोल दिया और पूरी दुनिया इन्हें देखकर हैरान थी कि इतने बरसों तक बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने के बावजूद रमेश सिप्पी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। वो पहली गलती थी और उसके बाद फिर सिप्पी साहब ने गलतियां नहीं की, फिर तो अपने अंदाज से सीता और गीता बनाई, शोले बनाई, शान बनाई, शक्ति बनाई और बता दिया कि ये फिल्म मेकर भारतीय सिनेमा में अपना एक अलग दमखम रखता है। शोले 4 लाइन का आइडिया थी, पर रमेश सिप्पी साहब ने ये बात साफ कह दी थी, चाहे कुछ भी हो जाए सबसे अच्छी चीजें फिल्म शोले के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। विदेश से स्टंट डायरेक्टर्स को भी बुलाया गया, सलीम जावेद की जोड़ी, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया बच्चन और अमजद खान, इन सब ने वो काम करके दिखाया जिसने इतिहास रच दिया। शोले जिसे पहले हफ्ते में फ्लॉप डिक्लेयर किया गया था, वो बनी हिंदुस्तानी सिनेमा के 50 सालों की सबसे सफल फिल्म। शोले और दीवार एक साथ रिलीज हुई थी, पर दीवार को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले थे और शोले को नहीं, पर 50 सालों में शोले ने दीवार को पीछे छोड़ दिया। वो और बात है कि दीवार भी सलीम जावेद ने लिखी थी और शोले भी। रमेश सिप्पी ने कुछ रोमांटिक फिल्में भी बनाई जैसे कि सागर। और रमेश सिप्पी इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जो दो सुपरस्टार्स को एक साथ ले आए थे, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को। फिल्म का नाम शक्ति। रमेश सिप्पी साहब की शादी हुई गीता से। इस शादी से इन्हें 3 बच्चे हुए। बेटा रोहन सिप्पी खुद फिल्म डायरेक्टर बना और बेटी शीना, उसकी शादी हुई शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर के साथ और 2004 में ये शादी टूट भी गई। इस तरह से रमेश सिप्पी और शशि कपूर समधी बने थे। रमेश सिप्पी साहब ने बहुत सारी फिल्में बनाई, पर उनमें कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जो बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल न दिखा पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। रमेश सिप्पी साहब ने हिंदुस्तानी टेलीविजन में भी इतिहास रच दिया। इन्होंने ऐसा सीरियल बनाया जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है, सीरियल का नाम बुनियाद। और बुनियाद ने ही रमेश सिप्पी साहब की दूसरी शादी की बुनियाद रखी। इन्होंने अपनी पहली बीवी गीता को तलाक दिया और बुनियाद की वीरा वाली यानी कि किरण जुनेजा से इन्होंने शादी कर ली। रमेश सिप्पी साहब को सन 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया। यकीनन भारतीय सिनेमा में रमेश सिप्पी साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।